डिप्रेशन में जाने की वजह क्या है। मैं पहले ही आपको कहा कि जब आप गंगा में नहाएंगे तो उस पानी का असर होता है, आप समझ रहे हैं। आप धूप के सामने, सूर्य के सामने खड़े होंगे तो रोशनी का असर होगा, गर्माहट होगी। अगर हम इन दोनों चीज़ों से अलग हट जाएं तो हमें उसका कोई आभास नहीं होगा। मैंने अभी कहा, आपको उदाहरण दिया कि एक बेईमान व्यक्ति भी ईमानदारी की तलाश करता है, ईमानदार मित्र ढूंढता है। वो कभी ऐसा नहीं मित्र ढूंढता है कि वो मेरे साथ बेईमानी करे। एक स्वार्थी व्यक्ति यह चाहता है कि हमारा दोस्त मेरे साथ निस्वार्थ से पेश आए। हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा मेरी आज्ञाओं का पालन करे। ये जो चाहना है, ये चाहना हमारे अपनी चीज़ें हैं, क्योंकि अगर हमने गुड़ नहीं खाया है तो हम गुड़ का हमको स्वाद पता नहीं होगा। अगर आपके, हम सबके अंदर अगर ये मूल्यों का, अगर हमारे अपना निजी संस्कार नहीं होता तो हम दूसरी चीज़ों में इसकी तलाश नहीं करते। अगर जिन चीज़ों को हमने इकट्ठा किया उसमें हम प्राप्ति कर लेते, लेकिन ये चीज़ें वहाँ मिलती नहीं हैं। तो जब हम अपनी चीज़ें छोड़ देते हैं तो व्यक्ति कमज़ोर होता है। अगर मान लीजिए कि जैसे आप कपड़ा पहनना, सर्दी के कपड़े में अगर आप सर्दी का कपड़ा नहीं पहनेंगे तो आपको ठंडी लगेगी। आप धूप में जाएंगे, कड़क धूप होगी, अगर उससे बचाव का नहीं रखेंगे तो उसका रिएक्शन होगा। तो जब हम अपने मूल्यों को छोड़ते हैं तो हमारी आत्मा की ताकत घटती है, और जब आत्मा की ताकत घटती है तो व्यक्ति के सामने आने वाली चीज़ों को फेस करने की क्षमता उसके पास नहीं होती है, और जब क्षमता नहीं होती है तो वो डिप्रेशन में जाता है, तनाव में जाता है, परेशानियों में जाता है, वो दूसरे के पास तलाश करता है। और जब उससे कोई रास्ता नहीं निकलता है, क्योंकि उसको कोई बताने वाला नहीं मिलता है कि बेटा तुम जो डिप्रेशन में जा रहे हो उससे बचने का तरीका क्या है, क्योंकि ये तरीका किसी दुकान पे नहीं है, किसी मेडिकल हॉल पे नहीं है, किसी दवा फूंकने वाले के पास नहीं है, साधु के पास नहीं है, संत के पास नहीं है, किसी जादूगर के पास नहीं है। इसका जो निदान है वो हमारे अपने सेल्फ के पास है, कि अगर हम अपने अंदर लाइट का प्रकाश जलाएंगे तो उसकी रोशनी अपने आप ही बाहर जाएगी, उसको कहने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो डिप्रेशन में जो जाने की जो सबसे बड़ी वजह होती है कि बहुत सारी इच्छाएं और इच्छाओं की पूर्ति ना होना, और जब आदमी उसमें असफल होता है, जब उसमें असफल होता है तो उसको हीन भावना आ जाती है, और हीन भावना जब आ जाती है तो वो बाहर निकलने के बाद सदमे में चला जाता है, क्योंकि उसके पास वो ताकत नहीं बची होती कि उस रोशनी को बाहर से देख सके। ब्रह्मा कुमारी का जो राजयोग ज्ञान ध्यान है, वह व्यक्ति अंदर से उसको जागरूक करता है, उसको ताकत देता है, उसको आत्मबोध देता है, उसको एक ऐसी परमात्मा के साथ शक्ति प्रदान करता है कि व्यक्ति जब वो मेडिटेशन करता है तो उसके अंदर एक ऐसी ऊर्जा पैदा होती है जिससे उसकी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां दोनों प्रॉपर वे में काम करती हैं। क्या देखना है, क्या बोलना है, अगर वो व्यक्ति गलत सोच रहा है तो उसको अंदर से वो जो तीसरी आवाज़ है उसको ब्लिंक करने लगेगी कि तुम गलत सोच रहा है भाई, तुमको सही सोचना है। क्योंकि जो ईश्वरीय शक्ति है वो हमेशा आपको बचाती है। जब हम इससे कट जाते हैं तो हमें उस चीज़ में बहने में बहुत देर नहीं लगती है, और जब तक हम संभलते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। यही वजह इसकी है।